हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अनबॉक्सिंग अर्मफ के क्रेज फॉर मैन परफ्यूम की, जो कि ईडीपी कंसंट्रेशन में अवेलेबल है और ये 100ml में आता है। अच्छा बॉक्स लग रहा है, ये हार्ड बॉक्स लग रहा है मुझे देखने में। हालांकि ये पेपर पोर्शन है, लेकिन अंदर से जो है इसका इनर पोर्शन वो काफी हार्ड लग रहा है मुझे फील करने में। और देख लेते हैं नीचे एक बार। नीचे आप देख सकते हैं बार कोड मेंशन है, और दोस्तों ये मेड इन फ्रांस परफ्यूम है। यहाँ पे अर्मफ फ्लूक्स लिखा हुआ, और ऊपर भी देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पर आप बॉक्स पर देख सकते हैं क्रेज की ब्रांडिंग हो रखी है। तो देख लेते हैं अब जल्दी से ओपन करके इसकी बॉटल कैसी है, और इसकी जूस क्वालिटी कैसी है, और स्प्रेयर क्वालिटी कैसी है। दोस्तों सेलोफेन मैंने ओपन कर दी है इसकी, और ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको ओपन करके देख लेते हैं। जनरली सब बॉक्सेस ऊपर से ओपन होते हैं, बट ये स्लाइड होता है बॉक्स। सो फ्रेंड्स, बॉटल मैंने बाहर निकाल लिया बॉक्स, और बहुत ही एलिगेंट डैशिंग बॉटल लग रही है मुझे देखने में ये। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इसके लेदर स्ट्रैप है, ये भी काफी आई कैचिंग लग रहा है मुझे देखने में। हाँ, इस पे स्टिकर भी मेंशन है यहाँ पर अर्मफ का, और यहाँ पर बैग डिटेल्स भी मेंशन है। और जल्दी से इसकी कैप ओपन करके भी देख लेते हैं इसकी कैप कैसी है। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, इसकी कैप ज्यादा हैवी नहीं है, और लेकिन ज्यादा हल्की भी नहीं है। ओके क्वालिटी है, अच्छी कैप लगी मुझे इसकी। और दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि इसकी बॉटल पे एटोमाइजर जो है, इस पर अर्मफ का लोगो भी मेंशन्ड है। और फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये इसका क्रेज जिस पर लिखा हुआ है, ये लेदर स्ट्रैप दिखने में लग रहा है, बट एक्चुअल में ये 100% लेदर नहीं है, ये कुछ रेक्सिन टाइप का कुछ है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो एटलीस्ट अभी के लिए तो ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली जो हम इशू फेस करते हैं इस बॉटल में, वो सबसे मेजर इशू यही आता है कि जब हम इस कैप को बाहर निकालते हैं, तो इसका जो ये इनर पोर्शन है, ये साथ में उखड़कर इस कैप में लगा हुआ मिलता है हमें। तो फिलहाल इस बॉटल में कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली ये इशू जरूर आता है 50-70% केसेस में। अर्मफ वाले अपनी बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये इशू फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे स्प्रे करके देख लेते हैं इसका स्प्रेयर कैसा है और इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। दोस्तों मुझे इसकी स्प्रेयर क्वालिटी अच्छी लगी, ब्रॉड मिस्ट मिल रही है, काफी सेटिस्फैक्ट्री है वो। फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस लग रही है मुझे। इसकी स्मेल मेरी नाक तक पहुंचने लगी है, ऑसम फ्रेग्रेंस सच में, बिल्कुल हाई क्लास एलिगेंट। हालांकि ये डार्क फ्रेग्रेंस है, काफी मैच्योर फ्रेग्रेंस लग रही है दोस्तों मुझे ये, और बहुत मैस्कुलिन। इसमें जो मैं नोट्स फील कर पा रहा हूँ, वो डार्क नोट्स फील हो रही है मुझे, बिटर आलमंड की, वनीला की, कुछ स्पाइसी नोट्स के साथ। इसका जो ब्लेंड बनाए इन अर्मफ वालों ने, बहुत ही जबरदस्त ब्लेंड है वो। ये अर्मफ के बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है। इवन दोस्तों अगर मुझे भी अपनी फ्रेग्रेंस लिस्ट बनानी होगी अर्मफ की, तो मैं उसमें अर्मफ क्रेज को जरूर लिस्टेड करूंगा टॉप 5 में। ये इतना अच्छा परफ्यूम है कि इसकी जूस क्वालिटी मुझे सरप्राइज कर देती है कभी कभी, कि इतनी अच्छी क्वालिटी अर्मफ कैसे दे सकता है। दोस्तों सिर्फ इसकी स्मेल ही ऐसी नहीं है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, इवन इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। इसका सियाज और प्रोजेक्शन भी बहुत कमाल का है, बहुत ज्यादा घंटों तक रहता है। और इवन अगर मैं गर्ल्स अट्रैक्शन की बात करूं दोस्तों, तो हो सकता है ये आपके उतनी काम ना आए गर्ल्स अट्रैक्शन में, क्योंकि ये थोड़ी सी चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस है। बट अगर आपको किसी हाई क्लास इवेंट्स में जाना है, पार्टी में जाना है, बिग गैदरिंग में जाना है, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट जरूर दिला सकती है। वेदर की बात करें तो ये एक्सट्रीम कोल्ड में ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि दोस्तों ये इतनी मैस्कुलिन डार्क और वार्म फील वाली फ्रेग्रेंस है, आपको ये इवन स्प्रिंग और फॉल में भी आपको थोड़ी ओवर पावरिंग लग सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे एक्सट्रीम कोल्ड में ही ट्राई करें, और ये बिल्कुल वर्थ फ्रेग्रेंस है। तो फ्रेंड्स आपको अगर मैच्योर मैस्कुलिन हाई क्लास डेंस फ्रेग्रेंस पसंद है, जो कि वार्म विंटर के लिए अप्रोप्रिएट हो और बीस्ट मोड हो, तो आपको जरूर इसे कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।